सब्सक्राइब कीजिए कोलकाता क्रिएटिव यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्पलीफायर रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इंद्रनील। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोलकाता क्रिएटिव। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को 5198 और 1941 दो ट्रांजिस्टर का 100 वाट का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बोर्ड का सिमेट्रिक डिज़ाइन। आप देख सकते हो जो हमने दो ट्रांजिस्टर यूज़ किया इस बोर्ड में, 5198 और 1941। यहाँ पे हमने पावर सेक्शन में ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया है। पावर कैपेसिटर जो है 4700 ये 50 वोल्ट का दो कैपेसिटर का यूज़ किया है हमने। सिमेट्रिक डिज़ाइन देख सकते हो। चलिए आपको पीसीबी डिज़ाइन अभी दिखा देते हैं हम। ये देखिए हमारा पीसीबी डिज़ाइनिंग है। ये सिमेट्रिक को यूज़ करके हमने ये पीसीबी डिज़ाइन किया है। यहाँ पे हमने रूबल नेटवर्क भी दिया है कॉइल और 100 ओम्स का एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस 1 वाट में। चलिए इसका 3D व्यू भी आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा 3D व्यू बोर्ड का। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बोर्ड का 3D डिज़ाइन, आपको तो दिखाई रहा हमें। चलिए इसका कंप्लीट आपको बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पीसीबी रेडी है। जो बोर्ड का मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया उसका पीसीबी हमने तैयार कर लिया है। ये घर में हमने होममेड पीसीबी घर में बनाया है। अगर आप लोगों को जर्नी पीसीबी घर में कैसे बनाते तो आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हो। फिर चलिए आप इस पर कंप्यूटर माउंटिंग करेंगे, उसके बाद काटिंग करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे और इसको टेस्टिंग करके आपको सुनेंगे इसका क्वालिटी कैसा है। तो फिर चलिए हम कंप्यूटर माउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले लगेगा 3 पीस जम्पर, उसके बाद लगेगा 3 पीस रेजिस्टेंस 22K का क्वार्टर वाट में। उसके बाद लगेगा 33 ओम्स का एक रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में। उसके बाद लगेगा 1.5K का एक रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में। उसके बाद लगेगा 470 ओम्स का एक पीस रेजिस्टेंस। उसके बाद लगेगा 3.3K का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में 2 पीस। उसके बाद लगेगा 10 ओम्स हाफ वाट का रेजिस्टेंस 2 पीस। उसके बाद लगाएंगे 10 UF 50 वोल्ट का दो कैपेसिटर, इसका प्लास बना होता है, देख के लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे 100 UF 100 वोल्ट का एक पीस कैपेसिटर, इसका भी प्लास बना होता है, देख के लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे 101 PF 2 पीस। उसके बाद लगेगा 471 PF 2 पीस। उसके बाद लगेगा 4007 डायट 2 पीस, इसका प्लस माइनस होता है, निशान देख के लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे दो ट्रांजिस्टर 558, इसका निशान देख के लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे दो ट्रांजिस्टर BD139, इसका निशान देख के लगाएंगे। उसके बाद लगेगा एक ट्रांजिस्टर BD140, इसका निशान देख के लगाएंगे हम। उसके बाद लगाएंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर GBU158। उसके बाद लगाएंगे 104 PF 400 वोल्ट का। उसके बाद लगाएंगे 2 पीस रेजिस्टेंस 1 वाट में 10 ओम्स। उसके बाद आपको एक कॉयल बनानी होगी, ऐसे कॉपर का वायर को 6.5 mm का ड्रिल बिट से 12 बार लपटने के बाद ऐसे आपको कॉयल एक बनानी मिलनी पड़ेगी। इसके अंदर से आपको जो 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है उसको डाल देना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे मैंने निशान भी बना के दिया है कॉइल का रेजिस्टेंस का, इस जगह हिसाब करके आपको यहाँ पे स्विच बिठा देना है। उसके बाद आपको एक 3 पिन का कनेक्टर लेना पड़ेगा, स्क्रू कनेक्टर पावर देने के लिए। उसके बाद आपको ऐसे 2 पिन का स्क्रू कनेक्टर लेना पड़ेगा स्पीकर आउटपुट देने के लिए। उसके बाद आपको 2 पीस रेजिस्टेंस ले लेना है 0.33 ओम्स 5 वाट में। इसका लेग थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा आपको, ऐसे मोड़ के मैंने जैसे किया है करके हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको दो कैपेसिटर लगाना पड़ेगा 4750 वोल्ट का, इसका प्लस माइनस होता है, देख के लगाएंगे हम। उसके बाद आपको लगानी है एक ट्रांजिस्टर C5198। उसके बाद आपको लगानी पड़ेगी एक ट्रांजिस्टर A1941
हमारा बोर्ड का कंपोनेंट माउंटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इस बोर्ड का जो पिन है वो काट लेते हैं और इसका सोल्डरिंग कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स चलिए कुछ कुछ कंपोनेंट हमारा बोर्ड पलटने से गिर जाएगी, हम उसको खोल लेते हैं, उसको हम बाद में लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स बाकी सामानों का जो पिन है हम काट के हम सोल्डरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम इस कटर के मदद से जितना भी लेग निकला हुआ है सब काट लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्ड का कटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं बोर्ड में, इससे हमारा सोल्डरिंग करने में आसानी होगी। चलिए हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्ड का सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम थोड़ा सा पेट्रोल की मदद से थोड़ा सा बोर्ड को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्ड पूरा कंप्लीट है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम जो मेन ट्रांजिस्टर है वो हीट सिंक के साथ माउंट कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको हम सबसे पहले हीट सिंक के साथ माउंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम देख सकते हैं हम यहाँ पे होल करके यहाँ पे माइका लगा दिया है और इसमें हीट सिंक भी थोड़ा सा लगा देंगे, कंपाउंड लगा लेते हैं आपको दिखा। तो फ्रेंड्स चलिए हम जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको हीट सिंक के साथ माउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यूटी भी चेक करके देखेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं। चलिए हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे, इसका कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमने हीट सिंक को आईसी के साथ माउंट कर लिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं कि हीट सिंक के साथ बोर्ड शॉर्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे बजर के रेंज में, कंटिन्यूटी के रेंज में, उसके बाद देखेंगे कि ये अच्छे से सुन रहा साउंड को। तो देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है अभी। तो अभी क्या करेंगे हम इसका मिडिल वाला जो पॉइंट है, तो कोई शॉटिंग कोई नंबर भी इशू नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्ड का कोई शॉटिंग नहीं है आईसी के साथ। तो चलिए हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। आपको कनेक्शन करने के बाद हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर इनपुट का कनेक्शन, ये हमारा स्पीकर आउटपुट का, ये ऑडियो इन दे दिया है हमने। और फ्रेंड्स हम इसको टेस्टिंग बल्ब के थ्रू ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेस्टिंग बल्ब के थ्रू ऑन करना है क्योंकि अगर कोई शॉटिंग होगा नहीं तो बोर्ड को जल सकती है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार सबसे पहले आपको इसका लाइट ऑन करके दिखाते हैं। तो देखिए आपको कोई भी हमारा शॉटिंग नहीं है, क्योंकि देखिए आपको साउंड भी आ रहा होगा। चलिए हम इसका पावर जो है कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा हम कनेक्ट कर दिए थे मोबाइल फ़ोन के साथ, हमने कनेक्ट करके चलिए म्यूजिक को प्ले कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा इसका साउंड कैसा है, तो चलिए साउंड को आप ऑफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों को 5198 और 1940 दो ट्रांजिस्टर का एक 100 वाट का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड बना के दिखाया। तो मुझको लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर वीडियो बनाता रहता हूँ फ्रेंड्स। और आपको ये बोर्ड बनानी है घर में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके घर में भी बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।